नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मर्सिडीज बेंच एक ऐसी जर्मन ब्रांड जिनकी गाड़ियां हर मामलों में औरों से दो कदम आगे होती हैं। इनका लुक, डिजाइन, फीचर, कंफर्ट, परफॉर्मेंस सब कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और आज मैं आपको इन्हीं के बेहतरीन गाड़ियों में से एक SUV GLA 220D का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट दिखाने वाला हूँ। एक्सीडेंट से पहले बात कर लें गाड़ी के सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की, तो 2019 में हुए यूरो एंड कैब क्रैश टेस्ट में इसने 5-स्टार रेटिंग से स्कोर किए थे। इसके अलावा इस SUV में कई सारे ऐसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं जो हर तरह के सिचुएशन में अपने पैसेंजर्स को बचाने में हेल्प करते हैं। बात करते हैं आज के एक्सीडेंट पर, जो महाराष्ट्र से मिस्टर मोहित जी ने मुझसे ईमेल पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली नागपुर जबलपुर हाईवे पर किसी जगह हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मर्सिडीज से चार लोग NH44 से होकर कहीं जा रहे थे, तभी ऑपोजिट लेन में आ रहे किसी व्हीकल की लाइट डायरेक्ट आंखों में पड़ने की वजह से SUV चला रहे ड्राइवर अनकंट्रोल हो गए और अपने सामने चल रहे DCM टेम्पो के बैक साइड में जाकर लड़ गए। ये टक्कर बहुत ही जबरदस्त था। फोटोज में साफ देखा जा सकता है मर्सिडीज के परखच्चे उड़ चुके हैं। पूरा इम्पैक्ट इसके राइट साइड में पड़ा है, इसीलिए इधर का ज्यादातर हिस्सा पिलर्स के साथ डैमेज हो गया है। थैंकफुली SUV के सारे एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए और अंदर बैठे पैसेंजर्स माइनर इंजरीज के साथ सेफली बच गए। किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो भी हुआ उसका रीजन कहीं ना कहीं तेज रफ्तार भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी कुछ ज्यादा ही डैमेज दिखाई पड़ रही है। तो हमेशा ड्राइविंग करते वक्त अपने गाड़ी की स्पीड उतनी ही रखिए जितने में आप उसे किसी भी तरह के सिचुएशन में आराम से कंट्रोल कर ले जाएं। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।